दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार की भाजियां बहुत ही प्रसिद्ध होती है, तो उन्हीं में शामिल यह भाजी भी है। इसे गांव में हम कोसम भाजी के नाम से जानते हैं। यह भाजी दिखने में जितना सुंदर मनमोहक लगती है उतना ही खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। यह स्वाद में अच्छी तो लगती ही है, इसके अलावा इसके औषधीय फायदे भी होते हैं। तो इसके फायदों के बारे में अगर जानना हो तो ऊपर आई बटन में हमने वीडियो डाला हुआ है, उसे ज़रूर देख लें। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि गांव में हम इसकी सब्जी को किस प्रकार से बनाते हैं, उस विधि को मैं शेयर करने वाली हूँ। तो पहले मैं भाजी को तोड़ लेती हूँ। देखिए इस तरह से इसके कोमल कोमल तनों को तोड़ते हैं। भाजी को मैंने तोड़ लिया है, अब हम इसको साफ करेंगे। तो इसमें जो मोटे मोटे डंठल होंगे उसको अलग कर देंगे, क्योंकि मोटे डंठल जल्दी से पक नहीं पाते हैं। इसलिए इसे साफ करना बेहद ही आसान होता है, क्योंकि यह शुद्ध प्राकृतिक भाजी है तो इसमें कीड़े ज़्यादातर नहीं होते हैं। अब मैं भाजी को काट लूँगी। साफ पानी से अच्छे से धो लूंगी। भाजी में लगाने के लिए मैं ली हूँ बैंगन, हरी मिर्च और टमाटर, तो इनको भी मैं काट लूंगी। चूल्हे पे मैंने आग लगा ली है। अब कढ़ाई में करीब 3 गिलास पानी लिया हुआ है। अब इसमें हम भाजी को उबलने के लिए रखेंगे। बीच में इसे खोल करके हम पलट लेंगे। जैसे जैसे भाजी उबलते जाती है वैसे ही इसका रंग छूटते जाता है, भाजी का कलर एकदम चेंज हो जाता है। 15 मिनट पकाने के बाद देखिए भाजी का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है, इसमें जो लाल रंग है वह छूट गया है। तो अब हम भाजी को निकाल करके इसमें एक्स्ट्रा जो पानी है उसको निकाल लेंगे। इसको हम इसलिए उबालते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा कसैलापन रहता है, तो ये जो लाल रंग का होता है ये उसका कसैलापन होता है, तो इसे उबालने से यह निकल जाता है। अब फिर से मैं चूल्हे पे रखूँगी कढ़ाई को और कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म हो जाने दूँगी। फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी तेल को और तेल को भी गर्म होने दूँगी। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं डालूँगी राई के दाने। राई के अच्छे से चटकने के बाद इसमें डालूंगी हरी मिर्च को और हरी मिर्च को हल्का हल्का भून लूंगी। अब बैंगन को डाल दूंगी। बैंगन को भी 2-3 मिनट के लिए भूनूंगी, भूनने से जो स्वाद है वह निखर कर आता है इसलिए। तो बैंगन को एक साइड करके मैं टमाटर डालूंगी और टमाटर के डालने के बाद स्वाद अनुसार नमक डाल करके इसको मिक्स करके ढक करके कुछ देर के लिए पकाऊंगी। कुछ देर पकाने के बाद इस टमाटर को हम अच्छे से और मैश कर लेंगे। तो इसके बाद हम भाजी को डाल देंगे। भाजी डालने के बाद हम सबको अच्छे से मिला करके इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। बीच बीच में इसे खोलकर भी देखेंगे। करीब 15 मिनट पकाने के बाद भाजी पककर तैयार है।
दोस्तों गांव में अक्सर हम लोग इसे बना करके बड़े चाव से खाते हैं। यह स्वाद में वाकई बहुत ही अच्छी लगती है। तो आज की ये वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल आओ देखे को सब्सक्राइब ज़रूर करें।